नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का जो विषय है वो है ऑयल प्लांट। आपका अपना ऑयल का काम है, आप बड़ी गाड़ी से माल मंगवाते हैं और अपने यहाँ स्टोर करके उसको छोटी पैकिंग में तैयार करके आगे सप्लाई करते हैं। उसके लिए आपको जो स्टोरेज टैंक है वो कहाँ बनानी चाहिए, मैं आपको एक प्लांट के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। उस प्लांट के अंदर एज पर वास्तु कहाँ क्या क्या कमियाँ थी और मैंने उनको एज पर वास्तु उनके सेटअप के बारे में जानकारी दी कि वास्तु के अनुसार उन्हें अपने ऑयल के टैंक कहाँ लगाने चाहिए। ऐसे ही आपका भी ऑयल का काम है, आपके जो टैंक है वो ज़मीन के ऊपर रखे जाते हैं या ज़मीन के अंदर रखे जाते हैं, या आपको दोनों जगह ही अपने टैंक रखने पड़ते हैं, ज़मीन के ऊपर भी और ज़मीन के नीचे भी। उनका सेटअप कैसे होना चाहिए, आप मेरी वीडियो देखने के लिए अपना कीमती समय निकालते हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपका अपना प्लांट वेस्ट फेसिंग है और आपका अपना जो मेन गेट है वो नॉर्थ वेस्ट में, यानी वेस्ट सेंटर से नॉर्थ वेस्ट की ओर लगा हुआ है। इसमें आपने जो ध्यान रखना है, आपका जो प्लांट है वो रोड के लेवल से हमेशा ही ऊँचा होना चाहिए। मैं आपको जो जानकारी देना चाहूँगा, जो प्लांट मैंने देखा उसका सेटअप कैसे बना हुआ था और उसे एज पर वास्तु मैंने कैसे सही कराया। गेट से एंट्री करने के बाद नॉर्थ वेस्ट के भाग में यहाँ पर मीटर रूम बना हुआ है, ऑफिस ब्लॉक साउथ वेस्ट में यहाँ पर ऑफिस ब्लॉक बना हुआ है, ऑफिस के बाहर साउथ वेस्ट के भाग में लॉन बना हुआ है और यहीं पर सेप्टिक टैंक भी बनाया हुआ है। सबमर्सिबल ऑफिस के नॉर्थ वेस्ट में और गेट के साथ में यहाँ पर गार्डरूम बनाया हुआ है। जो उन्होंने ऑयल टैंक ज़मीन के ऊपर लगाए हुए है वो ऑयल टैंक उन्होंने यहाँ पर इन्होंने अपने ऑयल टैंक लगाए हुए हैं जो कि फर्श के ऊपर है। ज़मीन के ऊपर ऑयल टैंक नॉर्थ जोन में लगे हुए हैं और ज़मीन के अंदर साउथ जोन में ऑयल टैंक लगे हुए हैं। जनरेटर रूम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बनाया हुआ है। आपके यहाँ एज पर वास्तु जो कमी है, आपके नॉर्थ जोन में ऊंचाई आ गई, वजन आ गया, साउथ जोन में आपके गहराई आ गई, नॉर्थ ईस्ट में आपका जनरेटर आ गया, साउथ वेस्ट में आपका सेप्टिक टैंक और बोरिंग आ गई। इसके कारण आपके यहाँ कभी भी प्रॉफिट नहीं आ सकता, बार बार पैसे से संबंधित दिक्कत बनी रहेगी। इसके लिए आपको करना क्या है, अब मैं आपको वो सेटअप बताने जा रहा हूँ। आपने सबसे पहले जो आपका सेप्टिक टैंक है, इस सेप्टिक टैंक को यहाँ से बंद करके नॉर्थ प्लस नॉर्थ वेस्ट के भाग में यहाँ पर आप सेप्टिक टैंक बनाएं। जो सबमर्सिबल लगा हुआ है, इस सबमर्सिबल को यहाँ से हटाकर आपने नॉर्थ ईस्ट के भाग में लेकर जाना है। जो आपके नॉर्थ जोन में फर्श के ऊपर जो टैंक लगे हुए हैं वो टैंक आपने साउथ जोन में लेकर आने हैं, और जो साउथ जोन में ज़मीन के अंदर टैंक लगे हुए हैं उन टैंक को आपने ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर लेकर आना है। यहाँ पर ध्यान रखना है, आपने नॉर्थ ईस्ट का भाग फर्श के लेवल में ऊंचा नहीं होना चाहिए। जो टैंक बनाए वो टैंक ज़मीन के अंदर ही जाने चाहिए और ये हिस्सा नीचा होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपका जनरेटर रूम है, इस जनरेटर रूम को यहाँ से हटाकर आपने साउथ ईस्ट के भाग में लेकर आना है। आपके इस प्लांट में जो फर्श की ढलान होनी चाहिए वो साउथ से नॉर्थ की ओर और साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर होनी ही चाहिए। जब बारिश आती है तो उसके लिए आपने अपने यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के भाग में एक हार्वेस्टिंग टैंक भी बनाना है और इसी के साथ आपने एक
नाली भी नॉर्थ की दीवार के साथ से नॉर्थ वेस्ट के भाग से बरसात का पानी बाहर निकल जाए। इस तरीके से आपको अपने यहाँ पर सेटअप करना ही चाहिए। मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, जो आपका अपना ऑफिस ब्लॉक है, ऑफिस ब्लॉक का जो फर्श का लेवल है और जो छत का लेवल है, वो हमेशा ही जो आपके टैंक नॉर्थ जोन से हटके साउथ जोन में आएंगे, क्योंकि टैंक हमेशा ही प्लेटफॉर्म के ऊपर रखे जाते हैं। जो आपका टैंक का जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म से ऑफिस का फर्श ऊंचा होना चाहिए। इसी के साथ जो छत की ऊंचाई है, जितने आपकी टैंक की टॉप का हिस्सा है, जो ऊपर का हिस्सा है, उससे ऊंचा आपका ऑफिस ब्लॉक की छत होनी चाहिए। यदि आप इस तरीके से अपना सेटअप करते हैं तो आपको हमेशा ही बेनिफिट मिलेगा, आपका प्लांट हमेशा ही आपको प्रॉफिट देता रहेगा। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने सर्कल में शेयर करें, और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।